चेहरा हो गया। सैनिटाइजर के नशे करना बंद करो और शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर जाफरी व्लॉग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है जाफरी व्लॉग पर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज हम खपोली में मौजूद हैं, और यहां पर एक एमएजी का वाटर पार्क है, उसके 2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है पर हम लोग आज विजिट किए हम लोगों ने, कि हम देख सके कि किस तरह से रिहैब सेंटर होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की आशंका रहती है कि रिहैब सेंटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और उनमें उधर पे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, किस तरह से वहाँ के पेशेंट्स जो नशा छोड़ने के लिए जिनको यहाँ पर डाला जाता है वो उनका बिहेवियर कैसा लोग यहाँ के लोग सही करते हैं, यहाँ की टीम किस तरह से उनको कोऑपरेट करती है, उनको एक सही एक हुनरबाज एक बेहतरीन बनाकर वापस निकाल कर अपने घर उनके घर वालों के हाथों में सौंपती है। तो ये सारी तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर देखने आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं असगर मलिक, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं रिहैब सेंटर, ये पूरा ये रिहैब सेंटर चलाते हैं, तो हमको पता चला तो डेंजर केसेस आते हैं जो मतलब कई सालों से नशा कर रहे होते हैं, और कितने लोग ऐसा मल्टी नशा करते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को लेते हुए यहाँ पर उनके पेरेंट्स उनको असगर मलिक साहब की रिहैब में छोड़ते हैं ताकि उनका बच्चा सही होकर निकले। तो हमने बहुत सुना था असगर मलिक जी के बारे में, तो हमने आज विज़िट किया है, उनको कॉन्टेक्ट किया है कि हम आ रहे हैं सर आपके रिहैब में, तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए, हमारे ब्लॉग पर दिखाने के लिए कि किस तरह से आपके सारे पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो हम सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर कवर करने आए हैं, इसी विषय पर ये ब्लॉग बनाया जा रहा है, ताकि हम आपको बता सकें कि एक्चुअली रिहैब में किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरह से इनका इलाज किया जाता है। तो इसी चीज़ों को लेकर हमने विज़िट किया है हमारी टीम के साथ में। तो आप बैकग्राउंड में आप मेरे देख सकते हैं कि ये पूरा एक कितना एकड़ तो इनकी ज़मीन है, और यहाँ पर इन्हीं ने असगर साहब ने यहाँ पर ये रिहैब को बनाया है, और कितने सालों से किया क्या किया वो असगर भाई से हम जब इंटरव्यू करेंगे उनका, जब उनसे ये सारी तमाम चीज़ें पूछेंगे तो आपको सारी जानकारी देंगे कि किस तरह से उन्होंने ये रिहैब की शुरुआत की और क्या क्या केसेस उनके पास उनको देखने को मिले। तो इसी विषय पर हम सारी तमाम चीज़ें दिखाएंगे। तो देखिए, ये उनकी ज़मीन है जहाँ पर इनका रिहैब सेंटर है पूरा, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि रिहैब सेंटर है इनका, और इनके रिहैब सेंटर का नाम है न्यू लाइफ फाउंडेशन के माध्यम से ये रिहैब सेंटर चलवाते हैं। ये मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं, इसका मेन एंटर गेट यहाँ पर है, और बाकायदा उनका बैनर भी लगा हुआ है न्यू लाइफ फाउंडेशन रिहैब सेंटर का। तो हम सारी तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। जब तक जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आज आपके खपोली एरिया में आने का हमारा मेन मकसद जो था वो ये था कि आप जो नशा मुक्त केंद्र चला रहे हो, खास करके इसमें कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और ये लोगों का ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है, और ट्रीटमेंट के ज़रिए आगे ये लोगों का फ़ायदा होता है या नहीं होता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो बहुत बेहतरीन काम है, लेकिन मसला ये है कि एक नशा करने वाला बर्बाद नहीं होता है, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है, पूरा फैमिली परेशान हो जाती है। और आज हमारे बम्बई का समाज बोलो या महाराष्ट्र का समाज बोलो या पूरे इंडिया का समाज बोलो, नशे की वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आप ज़रा नशे के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और जिस तरीके से आपके पास जो पेशेंट आते हैं जो नशा एडिक्ट अपने आप को सही करने आते हैं, तो आप किस तरीके का वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं उस बारे में बताइए, हमारे दर्शक ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। और आप तक जिस एरिया में नशे वाले हैं वो नशे के लोगों को आप तक पहुँचाने की आपका कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए, आप किस तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से पेशेंट को फ़ायदा होता है या फैमिली को फ़ायदा होता है। तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। असगर जी आप बताइए कि आप किस तरह से ये और कब से ये फाउंडेशन चालू करें, आपके फाउंडेशन का नाम न्यू लाइफ फाउंडेशन, राइट? सबसे पहले तो आप रिहैब सेंटर का आपका पहले लोकेशन और एड्रेस बताइए कि आपका रिहैब सेंटर कौन सी लोकेशन पर है, क्या पूरा एड्रेस है? सर जी मेरा रिहैब खपोली में है, खपोली खालापुर तालुका खालापुर उमरे गाँव वीरानी पोल्ट्री फार्म, जगह का नाम है वीरानी पोल्ट्री फार्म अपोजिट योर कोकन तड़का होटल, ठीक है, ये मेरा एड्रेस है। कॉन्टेक्ट नंबर आपका कॉन्टेक्ट नंबर सर जी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7039177826 8828270988, ये मेरे दोनों मोबाइल 24 घंटे ऑन रहते, और जहाँ पे भी मेरी मदद की जरूरत पड़ती है पॉसिबल तो वहाँ मैं खुद पहुँचता हूँ। मैं 15 सालों से ये भेस पे काम कर रहा हूँ फाउंडेशन पे, न्यू लाइफ फाउंडेशन पे, और मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ जी। मैं पहले पालघर में भी था, रतलाम में था, अभी मैं खपोली में आया हूँ, तो मेरे पास काफी सारे रिजल्ट है, और मैं आज तक जज डायल पे नहीं आया हूँ, मैंने जज डायल कभी लिया नहीं है। मेरा मानना यह है
कि यहाँ से जो मेरा पेशेंट जाता है वो मेरा जज डायल है, वो जाता है और वो चार जन को जाके भेजता है। तो कैसे भेजता है, जब वो सही रहता है तब ये भेजता है। तो मैं 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाओगे मेरा रिजल्ट क्या है। अगर मैं जज डायल पे नहीं हूँ और मेरा रिहैब चल रहा है तो कैसे चल रहा है। यानी सीधी बात है, लोग सही हो रहे, लोग नार्कोटिक्स अनोनोमेंस में जा रहे, अल्कोहल अनोनोमेंस में जा रहे, तो प्रोग्राम को जी रहे, माइंड पॉजिटिव हो रहा है, जब जाके मेरे पास पेशेंट आ रहे। तो ये मेरा काम करने का तरीका है। हाय, मेरा तो नाम असगर है और मैं भी खुद पहले एक नशेबाज था। आज से 20 साल पहले मैं भी नशा किया करता था और ऑलमोस्ट मैंने सभी नशे किए और काफ़ी रियापों ने, मेरे घर वालों ने मुझको डाला है। मैं निकल के फिर से नशा किया है, फिर डाला है, फिर किया है, रिपीटर 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 बहुत सारे रियाप हो गए मेरे। लास्ट टाइम गॉड ग्रेस, मेरे खुदा की कहीं पे मुझ पर मेहरबानी हो गई और मैं क्लीन हो गया। एंड ऑफ रियलाइज के मुझे अभी अमेंड्स करना है, मुझे अभी अमेंड्स करना है। और मैं किसी संस्था से जुड़ गया और मैंने अपना एक रिहैबले सेंटर शुरू किया। और रिहैबले सेंटर में हमारा भी, मैं आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ। मैंने रिहाब जब चालू किया तो मेरे पास कुछ ट्रीटमेंट लेते लेते मेरे को ट्रीटमेंट के तरीके पता चल गए थे, क्योंकि मैं खुद पेशेंट था, मैं खुद उस चीज़ का मरीज था। तो मुझे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है मैं काफ़ी सालों से देख रहा था, वो ट्रीट मेरे दिमाग में था। और मैंने ट्रीटमेंट का एक सेंटर खोला, रिहैबली सेंटर, इसमें कुछ डॉक्टर्स है। जब बंदा यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं विक्टॉल्स, जैसे खाना नहीं खाना, नींद नहीं आनी, तरकी में पेट दर्द देना, हाथ पांव खींचना, हेलुसिनेशन में जाना, दीवालों से बातें करनी, नशा नहीं मिलने पे आदमी को जो तड़प होती है, तड़प, जिस तरीके से वो तड़पता है नशा नहीं मिलने पे, खाना नहीं खाता है, पैसे के लिए चोरी करने के लिए तैयार है, घर में झूठ बोलने के लिए तैयार है, मारा मारी करने तैयार है, बेचैनी बेचैनी, नींद नहीं आना, सोना नहीं, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन है। तो आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल कितने पेशेंट है? मेरे पास में 55 पेशेंट है। ओके, और स्टाफ मेरे साथ है, एक डॉक्टर है और मैं खुद हूँ। अच्छा, ये किस्म का इलाज होता है? किस किस्म का वो नशेबाज है? किस किस्म का नशे? कम दिनों से कर रहा है तो कम समय में हो जाता है, ज्यादा दिनों से कर रहा है तो ज्यादा समय जाता है। वो चेकअप के बाद में पता चलता है कि जो एडिक्शन के कीटाणु है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन, बॉडी तक सीमित है या हड्डी को लग चुके हैं। अगर वो हड्डी को लग चुके तो साल भर भी जाता है। मैंने मेरे पास पेशेंट 2-2 साल रखे और पॉजिटिव रिजल्ट है, जो अच्छी जिंदगी जी रहे, मेरा काफी अच्छा रिजल्ट है। डॉक्टर ऐसा वीकली चेकअप करता है या महीने में चेकअप? वीकली चेकअप करता है, वीकली भी होता है, 15 दिन भी होता है। और डॉक्टर क्योंकि अवेलेबल यहाँ पे 24 घंटा रहते नहीं है, ये हम लोग सब टाइप लोग है, साइकेट्रिस्ट टाइप है, डॉक्टर टाइप है, तो उनका एक विजिट होता है। तो कभी कभी विजिट कैंसिल भी होता है। तो इमरजेंसी में अगर कोई ऐसा बीमार होता है तो उसके लिए हम बाहर हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं। नशे, किस किस्म के नशे के पेशेंट आपके पास आते हैं और सब में ज्यादा आपको कौन सा टफ नशा रहता है जो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी? इस टाइम पे तो दौर चल रहा है एमडी का, एमडी और वेरी टफ। उसका जल्दी जो है सजेशन, यानी कि जो दवाइयां है उसपे आज तक एक्सपेरिमेंट चालू है प्रॉपर, अभी उसकी मेडिसिन आई नहीं है, तो उसके लिए हमारे को काफी टफ होता है उसको संभालने के लिए। उसका इलाज क्या होती है नशे में, वो जब बाहर होता है तो ज्यादातर वो नाइट में जागता है, एमडी सोने नहीं देता है जी। हमेशा नाक खुजाएगा, ओके, एक अलग केमिकल की उसकी बॉडी से स्मेल आएगी नॉर्मल पर्सन को जी। वो उसके बाहर के सिम्टम्स होते हैं, ज्यादा दिन सोता नहीं और वो काफी महंगी है, उसके लिए वो झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, धोखे देगा, फ्रॉड करेगा, क्रैप जो भी है, नहीं हाउ जहाँ से पैसा पा सकता है वो करता रहेगा और रातों में सोगा नहीं। ये है एमडी के सिम्टम्स। रही बात टर्की की, यहाँ पे आने के बाद जो उसके विक्टॉल्स होते हैं, जिसकी तकलीफ अब नहीं मिल रहा है, तो अभी उसको क्या तकलीफ होती है मैं वो बताने जा रहा हूँ जी, बताइए। एंड वो दीवालों से बात करना चालू कर देता है, हेलुसिनेशन, जिसका नाम है हेलुसिनेशन, दीवालों से बात करता है। कुछ टाइम तक खाना नहीं खाता है, क्योंकि वो एमडी खा गया, अंदर का जो मांस है वो पूरा गल चुका होता है,
कुछ टाइम तक खाना नहीं खाता है, फिर उसको कुछ मेडिसिन भी हमको रखना पड़ता है, धीरे धीरे रीस्टार्ट वो खाना शुरू करता है, चाय हो गया, रोटी हो गई, बिस्किट हो गई, मीठे सामान से उसकी हम शुरुआत करते हैं, और फिर धीरे 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 समय के साथ में जो हमारी मेडिसिन होती है वो पागलपन करता है, उसको रस्सी से बांधना भी पड़ता है, नींद में लोगों को पुकारता है जिनके साथ वो नशे कर रहा है या जिनके साथ में रह रहा है, उनके नाम लेता है, उसको ये लगता है कि लोग मेरे को बुलाने आए और मैं जा नहीं रहा हूँ, तो नींद में चिल्लाता है, तो उसको संकली से भी बांधना पड़ता है, साथ साथ में मेडिसिन भी देनी पड़ती है, एंड वो कुछ 15 से 20 दिन तक वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसके बाद में धीरे 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 नॉर्मल होना शुरू होता है। पेशेंट आते, उन लोगों के पेरेंट्स जब आपको पता करते हैं, आपका जो आपका नशा मुक्त केंद्र है वो पता करते हैं, तो आपसे किस तरीके की फरियाद करते हैं, उस बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, उनकी एक ही अपेक्षा रहती है कि मेरा लड़का सुधर जाए, और ऐसा यूके इस मेडिकल ग्राउंड पे सबका जो डैड है, यूके इटली शहर मेडिकल ग्राउंड पे उसको डैडी माना जाता है, यूके ने यह सीधा साबित किया है, अल्कोहलिक या एडिक्ट के लिए ऐसी आज तक कोई दवा नहीं बनी है जो उनको दो और सुधर जाएंगे, इसमें दवाइयों का कोई रोल ही नहीं है, ये जो हम दवाइयां दे रहे सिर्फ उसकी विक्टॉल्स की दे रहे, ऐसा कोई दवा दुनिया में नहीं बनी है, अगर ऐसी कोई दवा दुनिया में बनी है, कोई डॉक्टर बोलता है कि ये दवा खाओ और नशेबाज सही हो जाएगा, मैं 19 ईयर्स क्लीन हूँ, 19 साल, वो डॉक्टर को बुलाओ, मेरी गारंटी लो मैं नशा करता हूँ और मेरा नशा छुड़ा के बतावे, मैं ये वो दिन देखा हूं, इसका इलाज क्या है मुझे पता है, मैं कैसे क्लीन हूं, उसके माइंड को हम वॉश करते हैं, एक नेगेटिव पर्सनालिटी को हम पॉजिटिव बनाते हैं, उसके माइंड को वॉश करते हैं, एक नॉर्मल पर्सन बनाते हैं, गारंटी कोई नहीं होती है, गारंटी कोई नहीं होती, अगर कोई रिहाब कोई डॉक्टर अगर गारंटी देता है तो फर्स्ट रिक्वेस्ट है सारी पब्लिक से मेरी कि उसको मेरे पास लेके आओ, मैं नशा करने के लिए एग्री हूं और वो मेरे को सुधार के बतावे। हमारे पास एक प्रोग्राम है 12 स्टेपिंग जो टेबल पे लगे हुए आप लोगों के सामने, ये मेरा टेबल है, इसको अगर मैं लाइफ में जीता हूं, इसको लाइफ में अगर मैं अप्लाई करता हूं, तो 110% मैं इससे नशे से दूर रहता हूं, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है इसका, कोई मेडिसिन नहीं है और कोई दवा नहीं है। असगर मलिक जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप जिस तरीके का काम कर रहे हैं, जाहिर बात है इसमें काफी खर्चा, तीनों टाइम का खाना है, तो आपको सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई हेल्प मिलती है या कोई आपको फंडिंग आता है, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर जी, मैं तो पहले एक एक करके जवाब देना चाहूंगा, मैं गवर्नमेंट के नजर में एडिक एंड अल्कोहलिक योर गॉन केस। आपने आज तक सुना है क्या किसी बेवड़े के लिए या गर्दुल्ले के लिए सरकार ने एक हॉस्पिटल बनाई और जाके फ्री ट्रीटमेंट कर लो, 3 महीना 4 महीना उसको रख दो? जी नहीं। तो उससे यह साबित होता है एडिक एंड अल्कोहलिक सरकार की नजर में गॉन केस, ये मर भी जाते हैं या जिंदा रहते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सरकार कोई डोनेट नहीं करती है ना कोई फंड करती है। रही बात डोनेशन की, तो काफी डोनर आते हैं मेरे पास, काफी पैसे वाले लोग आते हैं, लेकिन मेरा ऊपर वाला जानता है मैं डोनेशन नहीं लेता हूँ, इसलिए नहीं लेता हूँ कि जितने भी मेरे पास पेशेंट है, कुछ अमीर घर से है और कुछ गरीब घर से और कुछ रोड से जिनका कोई नहीं है, तो जो भी घर वाले कहीं ना कहीं वो खाने पीने का पैसा अफोर्ड करते हैं, अगर वो फंड मैं ले लूंगा, वो फंडिंग मैं ले लूंगा, वो डोनेशन मैं ले लूंगा, जहां जेन्युइन जरूरत है, जहां बच्चे यतीम है, जहां औरतें बेवा है, जहां ओरिजिनल लंगड़े लोग है, तो उनके फंड का पैसा मैं खा रहा हूं, तो मेरे को भी मेरे पीछे मेरा खुदा है जिसने मुझको क्लीन करके यहाँ पे बिठाया है, मैं कल कचरे की गुनी लेके घूम रहा था, आज मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, तो मेरे को वो काम नहीं करने किसका हक खाना है। लेकिन एक व्यवहार के हिसाब से जिस तरीके का खर्चा होता है, तो आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि आपको किस किस्म की हेल्प चाहिए गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट, आप सरकार से कितनी भी मांगे करो, सरकार इस पे कुछ नहीं करने वाली है, मैं तो वो छोटा सा इस तालाब का मच्छी हूँ, बड़े बड़े मगर बैठे हुए, वो लोगों ने काफी कोशिशें कर ली, मंत्रालय चिल्लाए, दिल्ली जाके चिल्लाए, नरेंद्र मोदी के कान में चिल्लाए, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं है नशेबाज के लिए, तो मैं क्या चिल्लाऊंगा। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपको कोई फाउंडेशंस आपको अगर सपोर्ट करें और फाउंडेशन से आपको फंडिंग आए, तो उस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? किस प्रकार का फंडिंग आएगा? जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर कुछ रस्ते के लोगों को भी हम यहाँ पर हमारी रियाप में तब्दील कर रहे हैं, और कितने लोग हैसियतमंद नहीं है, साहिबे हैसियत नहीं है, वो लोग कैपेबल, उनके माँ बाप नहीं है, तो उनकी फंडिंग को जुटाने के लिए अगर आपको फाउंडेशन कोई हेल्प करे या कोई मदद करे, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? उसके लिए मेरा ये कहना है कि मैं टाइप हो गया फाउंडेशन से काम करूंगा,
मैं वन साइड मदद नहीं लूंगा, मैं उनकी भी मदद करूंगा। अगर वो मेरे को कुछ हेल्प कर रहे तो मेरे पास में रोड एडिक्ट भेज सकते हैं, गरीब माँ बाप के बच्चे भेज सकते हैं जो पैसे नहीं भर सकते, जिनकी माँ होती है, चार बच्चे होते हैं, बाप बच्चा छोटा, एक बच्चा बड़ा नशेबाज है, तो कमा के अपने बच्चे पालेगी या नशेबाज की फीस भरेगी। ऐसे काफी सारे बच्चे रोड में रह जाते और मर जाते। इसमें धर्म धार्मिक कहीं नहीं है, कुछ हिंदू भी होते, कुछ मुसलमान के, कुछ मद्रासी होंगे, कुछ ईसाई होंगे। मैं एडिक्ट की बात कर रहा हूँ, धर्म की नहीं। तो ऐसे कई लोग है ना आम पब्लिक जो पैसे के मारे ट्रीटमेंट नहीं करा पाते, तो आप पहले उन लोगों से जुड़िए और फिर मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है असगर भाई के कितने लोगों को नहीं पता है कि रिहैब के अंदर जो पेशेंट्स को रखते हैं उनको अंदर कैसी फैसिलिटीज दी जाती है? मतलब लग्जरी रूम होते हैं, लग्जरी बेड होते हैं, एसी के प्राइवेट रूम होते हैं, मतलब क्या ऐसी फैसिलिटीज होती है वो लोगों को नहीं पता। तो क्या आप हम लोगों को आपके रिहैब का मुआयना करवाना चाहेंगे ताकि हम हमारे लोगों को दिखा सके कि भाई रिहैब इस तरह से होता है और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का दिमाग लोग बनाते हैं तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है? नहीं नहीं, मैं अभी दोनों चीज आपको दिखा दूंगा। क्या होता है मालूम है, ये जो एडिक्शन की बीमारी है खाली गरीबों को नहीं है, काफी अमीरों को भी है, ज्यादातर इंडस्ट्री में ये चीज लगी रहती है, कुछ करोड़पतियों को भी है। नशा जैसे एक व्यापार है, रिहाब भी एक व्यापार है। कहीं पे सस्ता नशा मिलता है गांजा और कहीं पे मिलती है कोकीन, हाई दोनों वही दे रही है। इसी तरीके से रिहाब है, जो पैसे वाले है लग्जरी लोग उन लोगों के लिए एक बिजनेस बना है लग्जरी रिहाब। ऐसे काफी लग्जरी रिहाब है जो आपके ऑर्डर लेके खाना देते हैं, आपको एसी में सुलाते हैं, आपके लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। लेकिन उनसे ये कहिए कि आपका रिजल्ट क्या है बताइए, ठीक है? और मैं ठहरा मिडिल क्लास का, मैं रोड से आया हूँ कचरे की गोनी लेके, तो मैं कोई भी फैसिलिटी नहीं देता हूँ। मेरे पास करोड़पति भी बच्चे है, लावारिस बच्चे भी है और मिडिल क्लास के भी है। मेरे पास सीधा और साधारण प्रोग्राम है, मैं हर एक चीज का रियलाइज कराता हूँ। एक चाय भी आदमी पीता है तो उसका रियलाइज करता है कि बाहर ये चाय में उठा के फेंक देता था, ये चाय यार कितनी अच्छी लग रही है। कि इसमें कितना परसेंट पेशेंट ठीक होता है कि ऐसा कि इसके बाद घर पे जाए बाद वो नशा ही नहीं करे, इस बारे में आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि कोई गारंटी नहीं दे सकते, कोई रिहाब नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता एडिक्ट की गारंटी। रही बात परसेंटेज की, तो मैं मेरी बात करूंगा और रिहाबों की नहीं करूंगा। मेरे पास से कम 40-45% पॉजिटिव रिजल्ट है। 100% क्यों नहीं है? नहीं है, क्योंकि इसका जब कोई इलाज ही नहीं है तो 100% कैसे होगा? जब यूके इटली शहर जब बोल रहा है कि नशेबाजी कोई दवाई नहीं है तो उसका इलाज कैसे होगा? हाँ, ये है कि गॉड गिरे से खुदा है, भगवान है, गॉड है, वो जीवन में काम करता है, उसको मेरे को समझना पड़ता है, ये प्रोग्राम में आना पड़ता है, यहाँ पे ये प्रोग्राम को यूज करना पड़ता है, जिंदगी की शर्तों पे जिंदगी को जीनी पड़ती है, मेरी शर्तें सारी छोड़ देनी पड़ती है। जो आदमी के अंदर ये आ जाता है वो आदमी क्लीन हो जाता है, और जो आदमी डिनाइल करता है, जो आदमी मनमानी करता है, जो आदमी अपने आप से वो करता है, वो आदमी कभी क्लीन नहीं होता है, सालों साल मर जाता है। जिस किस्म से आपके नशा मुक्त केंद्र में पेशेंट है तो कहीं ना कहीं लोगों की काउंसलिंग भी की जाती है? ऑलमोस्ट ये सारे मेरे काउंसलर्स बैठे हैं। ओके, ये खुद कभी एडिक्ट थे और आज नशा नहीं कर रहे, कोई 11 साल के लिए नहीं, कोई 12 साल के लिए नहीं, कोई 9 साल। ऐसे मेरे पास साइकोलॉजिस्ट है जो खुद कभी एडिक्ट थे, तो हम इनके दर्द को समझ नहीं सकते, हम इनके दर्द को महसूस कर सकते, इनके दिमाग में घुस के हम इनको बता सकते कि तुम अभी क्या करने वाले हो, ये नॉर्मल पर्सन नहीं समझ सकता है। तो हम यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सारे के सारे अनुभवी लोग है, जो कि हम पहले खुद थे। एक अंधे का दर्द अंधा जानता है और लंगड़े का दर्द लंगड़ा जानता है, इसी तरीके से एक नशेबाज का दर्द नशेबाज जानता है। असगर मलिक जी, हमारा आखिरी सवाल रहेगा ये कि जिस तरह से आज एरियो में खास करके बैठी चौल झुपड़पट्टियों में काफी नशे का ड्रग्स डील हो रहा है, नशाबाजी करी जा रही है, तो आप वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज नौजवान पीढ़ी नस्लें खराब हो रही है, तो वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फाउंडेशन के? सर जी, मैं तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो एक आतंकवादी की सजा होती है, और हमारी हुकूमत को ये करना चाहिए कि जो जैसे कि आतंकवादी है ना हमारे देश को खोखला करते हैं, देश द्रोही मीन्स के हमारे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, खोखला जा, उसको हम देश द्रोही कहते हैं, तो हम इन लोगों को क्या बोलेंगे, ये भी हमारा देश खत्म कर रहे हैं। काफी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट
पुलिस डिपार्टमेंट ये सब चीज पे काम कर रही है, काफी एनजीओस काम कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं से भी सुधार। हाउ इज रिजल्ट? हमारी इंडियन पैनल कोड, हमारी इंडियन पुलिस चाहेगी ना, मंदिर से एक चप्पल नहीं चोरी होगी, मंदिर से एक चप्पल। तो कहीं ना कहीं ये हमारी गलती है, मैं पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मेरे भी एरिया में धंधा होता है, मैंने काफी बार लेटर डाला है, वो सीनियर तक डाला है। एक्चुअली मेरे को ज्वाइंट कमिश्नर को डालना चाहिए, कमिश्नर को डालना चाहिए, नई बात मानी जा रही है तो मंत्रालय जाना चाहिए, उतना समय नहीं है मेरे पास। तो कहीं ना कहीं वो मेरी भी गलती है। तो ये सब अपनी गलतियों की भरपाई हम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तो ये कानून लागू करना चाहिए मेरे हिसाब से, सीधा उनको देशद्रोही साबित करो। ऐसे बंदे 10 बार 20 लोगों को सजा होगी तो शायद पब्लिक में दहशत होगी। ठीक है, तो चलिए असगर जी, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके। आपके जरिए से बहुत सारे दर्शकों को पता चलेगा कि रिहैब सेंटर का एक जो डायरेक्टर होता है उसकी क्या सोच है और किस तरह से वो रिहैब चलाता है। हम इसका शुक्रगुजार करते हैं और हम चाहते हैं कि आपकी रिहैब का जरा हमको मुआवजा करवाइए, ताकि हम हमारे लोगों को दिखा सके कि आपकी रिहैब में क्या फैसिलिटीज है और किस तरह की है, किस तरह की नहीं है, वो सारी तमाम चीजें हमको आप दिखाने का प्रयास करिए। ओके सर, ओके। ये मेरे रियाब की पैसेज है, एंट्री है, ठीक है। ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा डिटॉक्स रूम है। एंड जब नए पेशेंट को लाते तो इधर पे हम लोग 2-3 दिन उसको रेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे थोड़े बहुत स्टाफ के गदेले अनाज दवाइयाँ कबाड़ में रहती है, ठीक है जी सर। मेरी शुरुआत होती है, ये मेरे पास में एक सल्लंग डॉम है, ओके। ये सल्लंग डॉम है, ये मेरे पेशेंट्स हैं सारे, जिसके अंदर यही डॉम के अंदर हम लोग सेशन लेते हैं। ये डॉम के अंदर खाना होता है और रात में साफ सफाई होने के बाद में इधर ही हम सोते हैं, ओके। देखिए ये सल्लंग डॉम है, यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई एसी नहीं है जी, कोई लग्जरी नहीं है, ओके। यहाँ पे करोड़पति और रोड वाला जी सब एक साथ में रहते हैं। ये रियलाइजिंग प्रोग्राम है, ठीक है। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद ये हमारा किचन है। हाँ। बच्चे जो अपने ऑनर खुद दिखाते हैं, कोई चिकन साफ करता है तो कोई वहाँ पे राइस बनाता है, ओके। तो कोई वहाँ पे चाय बनाता है, ओके। ठीक है, ये मेरा किचन है। हाँ। जो हम लोग मिलके सब खाना बनाते हैं और सब आपस में ही खाते हैं, कोई बाहर से कुक नहीं है। ये हमारे गदेले रखने की जगह है, गदेले और कुछ बैगे है यहाँ पे रखते हैं हम, ठीक है। हमको यहाँ पे 3-6 महीना पेशेंट को रखना पड़ता है ना, तो यहाँ पे बैग वैग रखने का बंदोबस्त है, ओके ओके। तो यहाँ पर मतलब जो आपके पेशेंट्स हैं उनके सारे बैग्स रखे हुए हैं, बैग्स रखे हुए हैं, गदेले रखे हुए हैं। और ये हमारा बाथरूम है, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारा जो भी टॉयलेट वॉलेट और करना है, और ये हमारा हमाम है, यहाँ पे हम नहाते हैं, ओके। ये हमारी रहने की जगह है, यहाँ पे कोई लग्जरी नहीं है, एसी नहीं, स्पंजा गदेला नहीं, कापूस के गदेले, और सब हम उसी में सोते हैं। और अगर लग्जरी लैब देंगे तो लोग तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहेंगे, एंड ऑफ द डे। ना जाना चाहे या नहीं चाहे वो और बातें, सुधरेंगे नहीं, ये मेरी गारंटी। कोई लग्जरी 1% बताइए जो विदाउट पैसे के जी रहा है, 1% लाइए मेरे पास, एक आदमी उसको रियलाइज नहीं है लाइफ में चीज़ों की वैल्यू नहीं है। जब तक वैल्यू पता नहीं चलेगी तो रियलाइज कैसे होगा, है ना जी। हमारा टी वी है, संडे के दिन हम लोग देखते हैं, आज अभी आप आए हो तो हम लोगों ने बंद किया है, तो संडे के दिन एंजॉय करते हैं। ये लाइटिंग्स लगी हुई है, स्पीकर है। सैटरडे के दिन हम लोग कॉफ़ी नाइट मनाते हैं, कॉफ़ी पी के घंटा डांस करते हैं, वो भी एक सेशन है। हमको पता चलता है कि बिना नशे के हम लोग 1 घंटा डांस कर सकते हैं, ओके। ये स्पीकर सब लगे हुए पिलरों पे, जो भी होता है कार्यक्रम इतने में ही होता है। ये मेरे सारे पेशेंट्स हैं, ओके। और देखने वाले दर्शकों से भी एनोनिमिटी, के मेरे पेशेंट किसी और को नहीं दिखाना, कुछ कुंवारे हैं इसमें, पता नहीं चलना चाहिए कि ये नशेबाज थे कभी, ओके। बी पेशेंट हम्बली रिक्वेस्ट दरकस देखने वालों से, ओके। तो हम इनको सबको ब्लर कर देंगे सर, यस सर, ब्लर ही कर दो, क्योंकि इनको आगे चल के एक नया फ्यूचर चाहिए, फ्यूचर चाहिए, शादी करनी है समाज में। तो लड़की वाले देख के पहले बोलेंगे रियाद में तो एडिक्ट है, तो थोड़ा चेहरे को ब्लर कर देना, ठीक है, ठीक है सर, नहीं दीजिए, चलेगा ना सर, पक्का। मेरा बिंदा नहीं दिखाना, 3-4 शादी और करनी बाकी है मुझे, हाय मैडम, जो भी है सब यही है, यही है, ठीक, कोई लग्जरी नहीं। ओके असगर जी, थैंक यू सो मच जो आपने हमको विजिट करवाया और आपने सारी तमाम चीजें हमको बारीकी से बताई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोगों के सामने हम लोगों को ले जा रहे हो आप, और जिन लोगों को मैसेज नहीं है
भी हम्बली रिक्वेस्ट कि कोई खड़ा है आपके लिए, आइए कुछ तो होगा। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। शाबाश बेटा।